हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरी नई वीडियो के अंदर। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है रासेंगन के ऊपर, कि नारुतो और बोरुतो सीरीज के अंदर कौन सा रासेंगन है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नारुतो के अंदर या फिर बोरुतो के अंदर जो ये रासेन शुरिकेन है ये बहुत ही पावरफुल है, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। अगर आप ये सोचते हैं फिर बोरुतो के अंदर जो कॉम्प्रेस्ड वाला बोरुतो इस्तेमाल करता है रासेंगन शुरिकेन में, वो भी आप गलत हो, वो भी पावरफुल नहीं है। ये दोनों ही एकदम क्या कहते हैं, पावरफुल तो हैं पर उस रासेंगन के सामने ये रासेंगन भी कुछ भी नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि रासेंगन मैग्नेटम वाला रासेंगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो भी आप लोग गलत हैं, वो भी इतना पावरफुल नहीं है। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि टेल बीस्ट वाला भी है, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो रासेंगन भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो इस रासेंगन के बारे में हम बात करने जाएंगे। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ये भी नहीं है तो कौन सा हो सकता है, शायद वो बिग बॉल रासेंगन हो। तो एक्चुअली उसका आंसर भी ये गलत ही है कि बिग बॉल रासेंगन भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना घुमा फिरा के बातें करे जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, उस रासेंगन का नाम है सुपर अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगन। जी आप लोगों ने सही सुना। अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ऐसा रासेंगन हमें नारुतो की सीरीज में कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया होगा। वेल, उसे अभी नारुतो की सीरीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया क्योंकि वो बोरुतो सीरीज़ अभी चल रही है, लेकिन बोरुतो की सीरीज़ में ही हमें वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा। और ये जो मांगा के अंदर आ चुका है, ये नारुतो ने नया डेवलपमेंट किया था रासेंगन में, और ये बहुत ही ज़्यादा है। पिछली बार के जितने भी अब तक हमने रासेंगन देखे हैं, ये उन सब सारे रासेंगन से सबसे ज़्यादा पावरफुल रासेंगन है। खैर, इसी के साथ ये वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।